Good afternoon, all of you. इस सेशन को शेयर कर दीजिए भाई और लाइव आ जाइए, है ना। तो जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बेसिक रहेंगे, एकदम बेसिक, जो कि BCEC एग्जाम में जिस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार के रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि उसकी जो एग्रीकल्चर आती है बहुत ही ईजी आती है, बेसिक आती है। तो उसके एग्जाम में बस ये चेक किया जाता है BCEC एग्जाम में कि बेसिक नॉलेज किसी भी टॉपिक को आपको है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। इससे आपके मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर होते रहेंगे। चलिए देखो, भाई चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, राइस इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, धान की कहां से उत्पत्ति हुई है, धान की कहां से उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन कहां से हुई है। तो इसका क्या पूछ रहा है भाई, धान का ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है। तो हमको धान का वैज्ञानिक नाम पता है ओराइजा सटाइवा, इसका ओरिजिन प्लेस कहां है, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। और एक चीज याद रखना, इसकी फैमिली सभी को याद होगी कि राइस की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, ग्रेमनी। तो पूछा यह जाता है कभी कभी कि ग्रेमनी फैमिली में जितने पौधे आते हैं ग्रेमनी फैमिली के अंतर्गत, उसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है। तो याद रखना, जितने भी ग्रेमनी फैमिली के पौधे हैं उनमें किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, हाइपोजियल। हाइपोजियल का मतलब क्या होता है,
कि इसके जर्मिनेशन के समय इसके कॉटिलेडन जो है वो जमीन के अंदर ही रह जाते हैं ना, अंकुर बाहर आ जाता है, अंकुर जो है प्रांकुर जो है वो बाहर आ जाता है। तो इसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है? हाइपोजियल। तो याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम फैमिली, और फैमिली में जो ग्रेमनी फैमिली है उसमें किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है, इसका मतलब ये है कि जितने ग्रेमनी कुल के अंतर्गत पौधे आ जाएंगे उनमें किस प्रकार का जर्मिनेशन होगा? हाइपोजियल। ठीक है, तो ये था देखो पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस इन एशिया इज, यानी एशिया में धान की कौन सी प्रजाति उगाई जाती है? तो प्रजाति देखो कौन कौन सी दी है, उराइजा ग्लेबेरिमा, उराइजा नाइवेरा, ऑफिसिनेलिस और उराइजा सटाइवा। तो हमको पता है कि जो राइस की टोटल वर्ल्ड में जो स्पीसीज है वो कितनी है, 24। कितनी है भाई? 24, जिसमें 22 जो स्पीसीज है वो कैसी है, वाइल्ड है, जंगली है। ठीक है, और बची कितनी, 2 स्पीसीज जो है वो कैसी है, कल्टीवेटेड है, जिनकी खेती की जाती है। तो उसमें पूछा कौन सा है, क्या दिया है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो एशिया में मुख्यतः ग्रो की जाती है। दो राइस की जो स्पीसीज है उसमें से कौन कौन सी है, एक है उराइजा सटाइवा, उराइजा सटाइवा, और नेक्स्ट है उराइजा ग्लेबेरिमा, ग्लेबेरिमा। ठीक है, दूसरी कौन सी है, ग्लेबेरिमा। तो उराइजा सटाइवा जो है वो मोस्टली ग्रो की जाती है किस, कहाँ पे, एशिया में, कहाँ पे, एशिया में। और जो ग्लेबेरिमा है ये कहाँ पे उगाई जाती है भाई, अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में, है ना। तो जितनी अफ्रीका के अंतर्गत कंट्री आ जाती हैं वहां पर राइस की कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती है, उराइजा ग्लेबेरिमा, है ना। और उराइजा सटाइवा की 2 स्पीसीज ऐसी और हैं जो कि वाइल्ड हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक है उराइजा नाइवेरा, एक उराइजा नाइवेरा जो कि है एनुअल, जो कि एक वर्षीय है ना, और नेक्स्ट है उराइजा रूफी पोगोन, रूफी पोगोन वो की जो कि है पेरिनियल। तो दोनों याद रखना, उराइजा सटाइवा की, उराइजा सटाइवा के अंतर्गत 2 वाइल्ड स्पीसीज और आती हैं, उराइजा नाइवेरा और रूफी पोगोन, है ना। वो नाइवेरा होती है एनुअल और वो क्या है, पेरिनियल नेचर की है। अगर आपसे पूछा जाए कि उराइजा ग्लेबेरिमा कहाँ पे उगाई जाती है मोस्टली, तो अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक, तो क्या यहाँ पे हमने क्या सीखा कि टोटल जो स्पीसीज हैं राइस की वो कितनी है, 24, जिसमें से 22 वाइल्ड हैं और 2 की खेती की जाती है। खेती किन किन की जाती है, ग्लेबेरिमा और सटाइवा की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा था, जो एशिया में उगाई जाती, ठीक है बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कहाँ स्थित किया है ना, कब स्थित किया गया था, कब स्थित किया गया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी IRRI की 1960 में, कहाँ पे, फिलीपींस, कहाँ पे की गई थी इसकी, फिलीपींस में। ठीक है, तो याद रखना स्थापना कब की गई थी, 1960 में, कहाँ पे, फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है, राइस वैरायटी IR8 बास डेवलप्ड इन द ईयर, यानी धान की जो IR8 प्रजाति है वो कब निकाली गई थी। तो याद रखना ये कब निकाली गई थी, 1965 में, कब रिलीज की गई थी, 1965। ठीक है, इसका जो क्रॉस है वो क्या है, इसका क्रॉस जो है वो क्या है, डीजी बुजीन, ठीक है, इनटू पेटा, ये इसका क्रॉस है ना, ये इसके पेरेंट हैं। तो याद रखना ये कब निकाली गई थी, 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हलिंग परसेंटेज इन राइस, राइस में हलिंग प्रतिशत कितना होता है। तो हलिंग प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है राइस में, 66%। हलिंग परसेंटेज निकालते कैसे हैं, वेट ऑफ, कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ अन हस्क्ड, नहीं हस्क्ड राइस, विदाउट हस्क, या हम हस्क्ड राइस कह सकते हैं या विदाउट हस्क, है ना, हस्क्ड राइस जिसका छिलका निकाल देते हैं, और वेट ऑफ अनहस्क्ड या डीहल्ड,
अनहस्क्ड राइस इनटू 100, ठीक है। तो हलिंग परसेंटेज का फार्मूला होता है इसी तरह, जो है वो हलिंग परसेंटेज निकाली जाती है, तो कितनी होती है हलिंग परसेंटेज, 66%, है ना। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि हल को रिमूव करने के बाद जो भी बचता है ग्रेन, है ना, जो जिसकी लेंथ जो है 2/3 होती है, 2/3 से ज़्यादा होती है, वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, हलिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो याद रखना कि हलिंग परसेंटेज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, द राइस प्लांट प्रिफर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन धान जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है। तो ध्यान रखना जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है पौधों को दो फॉर्म में होती है, एक तो होती है नाइट्रेट, नाइट्रेट एक होती है अमोनिकल, दूसरी कौन सी होती है अमोनिकल। जो नाइट्रेट फॉर्म है वो मोस्टली पौधा अपटेक करता है, जितने भी लगभग पौधे हैं वो किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रेट रूप में। जो अमोनिकल फॉर्म है वो कौन कौन सी क्रॉप लेती हैं, राइस, राइस है आपका, पोटैटो और शुगर केन, ठीक है। तो ये जो फसलें हैं ये नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं, अमोनिकल रूप में। देखो क्यों लेती हैं, क्योंकि जो धान का खेत होता है इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड कंडीशन होती है, यानी कि पानी भरे होने के कारण इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती फील्ड में, जो सॉइल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अगर हम नाइट्रेट फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में अगर कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे मान लो मैंने दे दिया अमोनियम नाइट्रेट, है ना, तो जितनी नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाएगी तो उसमें सॉइल में कुछ ऐसे डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रेट में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसको क्या करने लगते हैं, ये यूज़ करने लगते हैं ना, अपने उपयोग करने लगते हैं ये, जिससे क्या हो जाता है ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जो नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो डिनाइट्रिफिकेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा हम देंगे तो डिनाइट्रिफिकेशन होगा, है ना, तो बचती एक ही फॉर्म है नाइट्रोजन की, कौन सी, अमोनिकल। तो इसी में राइस को अपटेक करना पड़ता है, ठीक है। तो यही फॉर्म जो है वो राइस क्या करता है, नाइट्रोजन का यही एक फॉर्म है जो राइस अपटेक करता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमोनिकल फॉर्म, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट फॉर्म में, तो नाइट्रोजन पौधों को दो ही रूप में अवेलेबल होती है, नाइट्रेट और अमोनिकल, ठीक है। तो धान में नाइट्रेट क्यों नहीं देते हैं, तो उसको याद रखना, क्योंकि डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाती है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में, किसके द्वारा, डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका नाम है बैसिलस और स्यूडोमोनास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ ऑफ टॉल वीट वैरायटीज, गेहूं की लंबी प्रजातियों की बुवाई की गहराई कितनी रखते हैं। तो जो लंबी प्रजातियों की बुवाई की गहराई जो है वो कितनी रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर, कितनी रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर नॉर्मल सोइंग वीट, नॉर्मल सोन वीट इज, यानी गेहूं की बुवाई के लिए सामान्य बीज दर कितनी होती है ना, तो एवरेज सीड रेट कितनी होती है, 90 से 100 किलोग्राम, ठीक। जब हम देखो कंडीशन ये 100 से 125 वाली या 25% वाली कब अप्लाई होती है, कल हमने बताया भी था कब, जब हम या तो वीट को लेट सोन करें यानी लेट बुवाई करें, या साल्ट अफेक्टेड सॉइल में ग्रो करें, साल्ट अफेक्टेड में, ठीक, या प्रॉब्लमेटिक सॉइल कह सकते हैं, और या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जब हम सीड को बोते हैं, तो क्या होता है, 25% सीड को बढ़ा देते। तो अगर यहां पे क्वेश्चन दिया होता कि लेट के लिए पछैती के लिए सीड रेट कितनी रखते हैं, या प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए कितनी रखते हैं, या जब हम छिटकवा विधि से कितनी रखते हैं, तो 20 से 25% सीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तब आंसर क्या होता, 100 से 125। और एक चीज और याद रखना, इसमें कई तरह से गेहूं को बोया जाता है, इसमें डिबलर द्वारा बोया जाता है, ठीक है, डिबलर द्वारा। तो डिबलर द्वारा जो है वो लगभग 30 से 35 किलोग्राम सीड रेट लगती है 1 हेक्टेयर में, डिबलर द्वारा कितनी लगती है, 30 से 35 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं की कौन सी विधि से बोने पर गेहूं की जो सीड रेट है वो सबसे कम लगती है प्रति हेक्टेयर, तो याद रखना डिबलर, ओके। एक इसमें एक और सिस्टम है बुवाई का, जिसे फर्व मेथड कहते हैं, FIFIRB, है ना, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, इससे लगती है लगभग सीड रेट 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो सीड रेट इसकी डिपेंड करती है
सीड डिपेंड करती है कि किस मेथड से सीड को बोया गया है। तो यहाँ नॉर्मल दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 से 100 किलोग्राम, ठीक है, 90 से 100, 125 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन बता चुके हैं, ये अप्लाई होगी कब, लेट साल्ट अफेक्टेड और ब्रॉडकास्टिंग में। ओके, चलिए अगला सवाल है, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन व्हीट एट हार्वेस्ट शुड बी, कटाई के समय गेहूं के दाने में नमी कितना, नमी की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम, है ना। तो देखो, अगर देखा जाए तो गेहूं को या किसी भी फसल को हम दो स्टेज पे काट सकते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ठीक, एक काट सकते हैं, एक तो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी होती है, इस पे तो हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है फसल को, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है, जब जितना भी फोटोसिंथेटिक्स का ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, इस स्टेज तक कंप्लीट हो जाता है, यानी जो फोटोसिंथेटिक्स बन रहा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है बनना। तो अगर हमें कोई भी जो फसल है वो जल्दी बोनी हो तो इस स्टेज पे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे क्या होता है, ग्रेन में जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा होता है, लगभग होता है 25 से 30% तक, ठीक, 25 से 30% तक। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के लगभग एक हफ्ते से 10 दिन बाद आ जाती है हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी, तो ये जो मॉइस्चर है वो घट के हो जाता है कितना, 20 से 25%, कितना हो जाता है, 20 से 25%। तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा, कितना, 20 से 25%, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी पे कितना मॉइस्चर रखते हैं, 20 से 25, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी जो है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के कितने दिन बाद आती है, तो आप याद रखना 7 से 10 दिन बाद, ठीक है। तो मॉइस्चर परसेंटेज भी बता दिया है और हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी भी बता दिया है, इसमें सिर्फ चेंज इतना होता है कि मॉइस्चर परसेंटेज इसमें कम हो जाता है ग्रेन में भी और स्ट्रा में भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, वीट प्रोटीन इज कॉल्ड, गेहूं में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वो क्या कहलाती है, तो जीन दिया है, ग्लूटेन दिया है, ओराइजेनिन दिया है या लाइसिन दिया है। तो देखो, जीन हमको पता है वो किसकी प्रोटीन होती है, मेज में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मेज में। ग्लूटेन किसमें पाई जाती है, वीट में, तो यही पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। ओराइजेनिन किसमें पाई जाती है, तो ओराइजेनिन किसमें पाई जाती है, आपकी पाई जाती है ओराइजा सटैवा, ठीक है, जिसे राइस कहते हैं, पैडी या राइस, ठीक। लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है जो कि जो मक्का में मुख्यतः नहीं पाया जाता, ठीक है, मक्का में मुख्यतः ये लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है, क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्लूटेन, ठीक है। तो बच्चों के लिए ग्लूटेन नुकसानदायक होता है भाई, याद रखना है इसको, है ना। तो तभी देखो जो बिस्किट, पार्ले वाला बिस्किट होता है उस पर लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स, है ना, क्योंकि ये पेट में जाके बच्चों को इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है, ग्लूटेन, तभी ग्लूटेन कम दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, टेस्ट वेट ऑफ फेलेरिस माइनर, तो फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट क्या होता है, परीक्षण भार क्या होता है, तो परीक्षण भार का मतलब क्या होता है, 1000 दानों का भार, ठीक, वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। तो टेस्ट वेट जो लेते हैं वो जितने भी स्मॉल सीडेड क्रॉप्स हैं जिनके छोटे बीज होते हैं उनका लिया जाता है टेस्ट वेट, और जिनके बड़े बोल्ड सीड होते हैं, ठीक है, उनका लिया जाता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 दानों का भार होता है, क्योंकि सीड क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, फेलेरिस माइनर क्या है, गेहूं का मामा कहते हैं, इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, फेलेरिस माइनर जो है वो रेसिस्टेंट होता है किसके प्रति, राइसोप्रोट्यूरान के प्रति, है ना। कुछ रीजन जो है जहां पर हर्बिसाइड या आइसोप्रोट्यूरान ज्यादा प्रयोग किया जाता है वहां पे फेलेरिस माइनर क्या हो गया है, आइसोप्रोट्यूरान के प्रति रेसिस्टेंट हो गया है, यानी कि आइसोप्रोट्यूरान दवा जो है वो फेलेरिस माइनर पे काम नहीं करती है, ठीक है। इसकी जगह आइसोप्रोट्यूरान की जगह देते हैं सल्फोसल्फ्यूरान या मेटसल्फ्यूरान मिथाइल, ठीक है, तो उसको याद रखना, ओके। तो टेस्ट वेट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, इसका गेहूं का मामा है, और क्या है ये, किसका बीड है, मुख्यतः किसका बीड है, वीट का बीड है, ठीक है, गेहूं का है ये, ओके। चलिए अगला सवाल क्या दिया है, येलो रस्ट इन वीट इज कॉज्ड बाय, येलो रस्ट इन वीट, गेहूं में जो पीली गेरुई है वो किसके कारण होती है, तो 3 प्रकार की गेरुई होती है, ब्लैक, येलो और ब्राउन, ब्लैक,
येलो और ब्राउन, है ना, भूरी गिरवी। तो ब्लैक रस्ट किसके वजह से होती है, किस फंगस की वजह से होती है? पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिट्साई, पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिट्साई, ठीक है। और पक्सीनिया रिकॉन्डिटा किसकी है, ब्राउन जो रस्ट है वो किस फंगस की वजह से होता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। पूछा क्या है, येलो पूछा है, तो येलो किस, येलो गिरवी का नाम क्या है, फंगस का नाम क्या है? पक्सीनिया स्ट्राई फार्मिस, जिसे स्ट्रिप रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रिप या स्ट्राइप रस्ट, है ना, क्योंकि धारियां बन जाती है, स्ट्राइप बन जाती है, ठीक। और ब्राउन रस्ट को कहते हैं लीफ रस्ट, क्या कहते हैं भाई, लीफ रस्ट। और ब्लैक रस्ट को क्या कहा जाता है, स्टेम रस्ट, स्टेम रस्ट, ठीक। तो इसको याद रखना। और इसमें जो रस्ट की स्टेजेस होती हैं वो पौधे में पांच होती हैं, कितनी होती हैं, पांच होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको देख लेंगे, देखो इसको नोट करते जाना भाई, है ना, पांच स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी हैं, पिकनियल, पिकनियल, ठीक, जिसे जीरो स्टेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीरो स्टेज, अभी बताएंगे क्यों कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है एसीएल स्टेज, एसीएल स्टेज, ठीक, ये क्या है, एसीएल है फर्स्ट स्टेज, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट है यूरेडियल, यूरेडियल ये है सेकंड। नेक्स्ट है टेलियल, ये थर्ड है, और बेसिडियल, नेक्स्ट है बेसिडियल, इसे फोर्थ स्टेज, है ना। तो 27 से पहले ये जो स्टेज है, जीरो स्टेज डिस्कवर नहीं की गई थी, जीरो स्टेज जो है वो डिस्कवर नहीं की गई थी, पहले यही 27 से पहले यही चार थी, है ना, उसके बाद ये डिस्कवर की गई पिकनियल। तो अगर आपसे पूछा जाए वीट में जीरो स्टेज कौन सी है, तो पिकनियल स्टेज, ठीक है। और फर्स्ट कौन सी है, एसीएल, यूरेडियल, टेलियल और बेसिडियल, क्रम से दिए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या दिया है, रिकमेंडेड रेशियो फॉर वीट मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग, यानी गेहूं तथा सरसों की सह फसली खेती में अनुपात क्या रखते हैं। तो देखो जब सह फसली खेती करते हैं, सह फसली खेती का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक फसलों को हम एक साथ एक डेफिनेट रेशियो में बोते हैं तो वो क्या कहलाती है, सह फसली खेती कहलाती है, इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। तो इंटर क्रॉपिंग के समय वीट, क्या पूछा है, वीट एंड राइस, सॉरी वीट एंड मस्टर्ड, वीट एंड मस्टर्ड का जो रेशियो है वो कितना रखते हैं, 9:9:1, यानी कि जो 9 रो पहले क्या है, 9 रो रहेंगी किसकी, वीट की, किसकी रहेंगी, वीट, है ना, जो 10वीं रो होगी वो किसकी होगी, राइस की, सॉरी वीट की, है ना, वो मस्टर्ड की, मस्टर्ड की, सरसों की, ठीक। और ये 9 रो किसकी रहेंगी, वीट की। तो यही कहलाती है इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में या मिश्रित खेती में, मिश्रित फसली में, फसली खेती में क्या करते हैं, ये कोई भी रेशियो उसमें नहीं रखते हैं, सीड को मिक्स करते हैं, दोनों सीड को मिक्स करेंगे और ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, ठीक है, तो इसमें डेफिनेट रेशियो रहता है, ठीक। चलिए अगला सवाल क्या दिया है, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट इज, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो गेहूं क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम मैक्सिकन गेहूं है, तो ये क्या होता है, हेक्साप्लाइड होता है, क्या होता है, हेक्साप्लाइड। हम कह सकते हैं 2n = 6x = 24, तो n क्या होता है यहाँ पे, 2n क्या है, सोमेटिक क्रोमोसोम है, कायिक गुणसूत्र क्या, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2n है वो डिप्लाइड कंडीशन स्टे करता है, शो करता है या प्रदर्शित करता है। और जो x है, देखो यहाँ पे समझ लो पहले, n बराबर होता है हैप्लाइड, 2n बराबर होता है डिप्लॉयड, ठीक। जब डिप्लॉयड स्टेट में गुणसूत्र जो है मोनोप्लाइड की संख्या 6 गुना हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हेक्साप्लाइड कहलाता है, ठीक। n बराबर डिनोट करता है हैप्लाइड और x बराबर होता है क्या, मोनोप्लाइड। मोनोप्लाइड क्या होता है, एक बेसिक क्रोमोसोम होता है, बेसिक क्रोमोसोम का क्या होता है, एक सेट होता है। हैप्लाइड क्या होता है यहाँ, डिप्लॉयड, देखो यहाँ पे समझ लो, हैप्लाइड क्या होता है, डिप्लॉयड कंडीशन का आधा, या किसी भी सोमेटिक क्रोमोसोम का आधा। सोमेटिक क्रोमोसोम में कितने हैं, 42 हैं, तो इसका आधा है। अगर आप, आपसे पूछा जाए हैप्लाइड की संख्या क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, आधी इसकी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। बात आ रही समझ में, या टेट्राप्लाइड हो, टेट्राप्लाइड का आधा क्या हुआ, डिप्लाइड, यानी टेट्राप्लाइड अगर बनाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक। आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए यहाँ मोनोप्लाइड या एक्स की संख्या या एक्स क्रोमोसोम कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 7। तो मैम जो क्या होता है एक्स या मोनोप्लाइड क्या होता है, बेसिक क्रोमोसोम होता है या क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है, ठीक।
ठीक है, तो मोनोप्लाइड क्या हो सकता है, डिप्लाइड स्टेट में मोनोप्लाइड और डिप्लाइड समान हो सकते हैं। जैसे अगर दिया जाए कि किसी भी डिप्लाइड स्पीसीज में 14 गुणसूत्र हैं, ठीक है, जो कि डिप्लाइड है, ठीक, क्या है, डिप्लाइड है, ये क्या थी, हेक्साप्लाइड थी, तो इसमें 2n बराबर 14 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा, 7, तो डिप्लाइड कंडीशन में n और x के मान बराबर होते हैं, हेप्लाइड के भी, हेप्लाइड और मोनोप्लाइड के दोनों के बराबर होते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया जाता है, थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इसी प्रकार के दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, UG99 is related to, UG99 क्या है, एक रेस है, एक हम कह सकते हैं पक्सीनिया की एक रेस है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत, पक्सीनिया किस में, किस क्रॉप में इफेक्ट करती है, तो वीट में, तो कैसे संबंधित हो जाएगा ये, बी से, ठीक है, कैसे संबंधित है, वीट, ठीक। चलिए अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल, निम्न में खाद्यान्नों की रानी किसको कहा जाता है, तो सबको पता है मेज, ठीक है, और किंग किसको कहा जाता है, गेहूं को, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मीठी सुडान इज अ वैरायटी ऑफ, मीठी सुडान जो है वो किसकी प्रजाति है, तो देखो किसकी प्रजाति है भाई, ऑप्शन है आपके पास, स्वीट सोरगम या स्वीट कॉर्न या फॉरेज सोरगम या फॉरेज मेज, है ना, तो ये किसकी प्रजाति है, चारे वाली सोरगम की, चारे वाली ज्वार की प्रजाति है ना, चारे के लिए ग्रो करते हैं ये, स्वीट मीठी सुडान, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑरिजिन ऑफ मेज इज, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है भाई, यूएसए, ठीक है, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है, यूएसए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। चलिए नेक्स्ट, मेज प्रोटीन इज डिफिशियंट इन, मक्का की प्रोटीन में कमी किसकी पाई जाती है, अभी बताया था किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की कमी पाई जाती है, लेकिन मिथियोनिन सफिशियंट मात्रा में पाया जाता है, तो मक्का में कौन से अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनमें ये लाइसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीना जिसमें 4% लाइसिन पाया जाता है, ठीक है, लाइसिन 4% लाइसिन पाया जाता है ना, प्रोटीना और शक्ति और रतन, ठीक है, इनमें क्या है, लाइसिन या इन अमीनो एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जैसे ओपेक टू वैरायटीज, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इज मैक्सिमम इन, पौधरोपण जो है वो सबसे अधिक सफल होती है, पर्लमिनेट मेज या सोरगम, तो किसके अंतर्गत, पर्लमिनेट में, है ना, तो इससे हम इसकी अगर नर्सरी डालेंगे तो मैक्सिमम जो है सक्सेस रेट ज्यादा रहती है प्लांट्स की, ठीक है, या सीडलिंग की, तो अगर हम देखें तो इसकी सीड रेट कितनी लेते हैं, 1.5 से 2 किलोग्राम लेते हैं, 1.5 से 2 किलोग्राम एक हेक्टेयर के लिए इतना सीड रेट लेते हैं नर्सरी के लिए, ठीक है, तो याद रखना सक्सेस रेट सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांटिंग की किसकी है, मेज की, बाकी किसी की नहीं है, मेज और सोरगम की, ठीक है। अगला सवाल क्या है, WCC75 एंड Raj 171 किसकी प्रजातियां हैं, WCC75 और Raj 171 किसकी प्रजातियां हैं भाई, पर्लमिलेट की हैं, किसकी प्रजातियां हैं, पर्लमिलेट की, ठीक है, जो कि जो Raj 171 है सबसे ज्यादा उगाई जाती है कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, या जहां पर पानी की कमी पाई जाती वहां पर ये वैरायटी ग्रो की जाती, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्लमिलेट, ठीक। पर्लमिलेट के देखो और भी नाम याद रखना जो कि पूछे जाते हैं, डार्क मिलेट भी कहते हैं, जिसे बाजरा कहा जाता है ना, डार्क मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट और बुलरस मिलेट, ठीक है, ये किसके नाम है,
ये पर्ल मिलेट के ही नाम है, डार्क स्पाइक्ड और बुलरस मिलेट, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, मेजर पेस्ट इन ग्राम, तो चने का मुख्य कीट कौन सा है, तो कौन सा है भाई, पॉड बोरर, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, जो कि पॉलीफेगस नेचर का होता है। पॉलीफेगस का मतलब है इसके सामने कोई भी स्पीसीज आएगी ये क्या कर लेता है, उसको फीड कर लेता है ना, स्पेसिफिक नहीं होता है। पॉड बोरर क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है ना, ये कॉस्मोपोलिटान और पॉलीफेगस नेचर का होता है, हर जगह हमेशा या किसी भी स्पीसीज को फीड कर सकता है। कटवर्म भी इसी का पेस्ट है लेकिन मेजर नहीं है, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है इग्रोटिस स्पिलोन, इग्रोटिस स्पिलोन, ओके, इसको याद रखना। व्हाइट ग्रब किसका है, व्हाइट ग्रब किसका इंसेक्ट है मेजर, ग्राउंड नट का, ग्राउंड नट, ठीक, व्हाइट ग्रब, सफेद गिरार, तो इसका याद रखना। होलो ट्राई का कंसनगुनिया इसका वैज्ञानिक नाम है, ओके। चलिए अगला सवाल क्या है, रेड ग्राम इज बोटेनिकली नोन एज, अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो अरहर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, केजानस कजान, केजानस कजान, ठीक है, और फेजियोलस फेजियोलस रेडिएटस बीन्स का होता है, फेजियोलस मुंगो दिया है, नेक्स्ट दिया है बिगना अंजिकुलाटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केजानस कजान, ठीक है, जो कि फैमिली किस फैमिली का है, लेग्युमिनेसी, यानी दाल है, दाल सभी किस फैमिली की है, लेग्युमिनेसी फैमिली की है। एक चीज और याद रखना है, इसमें जर्मिनेशन का प्रकार पूछा जाता है, तो इसमें जर्मिनेशन का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, हाइपोजियल, किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है इसमें, हाइपोजियल। देखो जितनी रवि सीजन की फसलें होती हैं, रवि सीजन की पल्सेस होती हैं, रवि सीजन की, तो उसमें जो जर्मिनेशन का टाइप होता है वो होता है हाइपोजियल, ठीक है, लेकिन ये खरीफ का है, इसको ध्यान रखना, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, किसको छोड़ के, राजमा को छोड़ के। अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में जो जर्मिनेशन का टाइप होता है वो होता है इपीजियल, ठीक है, अरहर को छोड़ के, अरहर में कौन सा होता है, हाइपोजियल, ठीक है, अभी बताया था हाइपोजियल और इपीजियल में अंतर क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, देखो यही क्वेश्चन फिर दे दिया, जर्मिनेशन वाला है ना, देखो द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज इन ग्रीन ग्राम, मूंग के अंकुरण का प्रकार क्या है, तो मूंग में, मूंग किसका है, खरीफ सीजन का है, तो हमको पता है कि खरीफ सीजन की जितनी पल्सेस हैं उनमें किस प्रकार का जर्मिनेशन होता है, इपीजियल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, इपीजियल, इपीजियल, ठीक है, क्योंकि खरीफ पल्सेस हैं, तो जितनी खरीफ पल्सेस हैं उनमें अंकुरण किस प्रकार का होता है, इपीजियल, किसको छोड़ के, अरहर को छोड़ के, अरहर में कौन सा होता है, अभी बताया है हाइपोजियल, ठीक है, और रबी में हाइपोजियल का होता है किसको, राजमा को छोड़ के। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, द सीड्रेट ऑफ ब्लैक ग्राम ग्राउंड ड्यूरिंग खरीफ सीजन, खरीफ ऋतु के लिए उर्द की बीज कितनी लेते हैं, तो 15 किलोग्राम, कितनी लेते हैं खरीफ सीजन में, 15, है ना, रबी सीजन बढ़ा देते हैं 20 से 25 कर देते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए अगला सवाल, ये बताइए भाई, बरखा जो है वो किसकी प्रजाति है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी या पी, बरखा इज अ वैरायटी ऑफ, कितनी, कौन कह रहा, नहीं 5 से ज्यादा नहीं रखते हैं। अच्छा ठीक है, तो किसकी है ये, ग्रीन ग्राम। देखो
जो वीट की कुछ बता रहे हैं कि 6 से 7 सेंटीमीटर टाल वैरायटी की जो है गेहूं है उसकी जो गहराई रखते हैं वो 6 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं। देखो इसकी गहराई 6 से 7 सेंटीमीटर नहीं रखते हैं, मैक्सिमम जो है गहराई वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 ही रखेंगे, जो हाइब्रिड होती है उनकी कम रख लेते हैं। तो याद रखना टॉल वैरायटी की जो गेहूं है उनकी बुवाई की गहराई कितनी रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर वही होगा भाई। चलिए अगला सवाल है, क्या दिया है, विच राइजोबियम स्पीसीज इज सुटेबल फॉर अरहर मूंग उर्द लोबिया, कौन सी राइजोबियम प्रजाति जो अरहर मूंग उर्द लोबिया में प्रयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, जो कि यूज की जाती है किसमें, पी लेंटिल, ठीक, पी लेंटिल और चिकपी, ठीक। राइजोबियम जो लेग्यूमिनोसोरम है वो किस किस में यूज की जाती है, पी लेंटिल और चिकपी। आरो जैपोनिकम जो है वो किस में यूज की जाती है, सोयाबीन में, किस में यूज की जाती है, सोयाबीन में। नेक्स्ट दिया है मिलीलोटी, तो ये मिलीलोटस में की जाती है। और फेजियोली जो है वो किस में यूज की जाती है, अरहर मूंग उर्द और लोबिया में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ, राइजोबियम फेजियोली, ठीक है, राइजोबियम फेजियोली, ठीक। देखो बी आंसर सही नहीं होगा, बी आंसर जो है वो राइजोबियम जैपोनिकम बताया है किस में यूज की जाती है ये राइजोबियम स्पीसीज जैपोनिकम, तो याद रखना सोयाबीन में, ठीक है। चलिए परसेंटेज प्रोटीन इन लेंटिल अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग जो अरे जो पाई जाती है आपकी क्या कहेंगे इसे, पल्सेस है ना, तो उनमें लगभग 20 से 25% के रेंज में होती है। तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। चलिए और देखो जो कम्पिटेटिव एग्जाम की जो कंपाइलेशन वाली बुक रहती है उनमें तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा, ठीक है, किसी में दिया होगा। जैसे कि हम अगर गेहूं की गहराई की डेप्थ की बात करें तो वो आपको मिल सकता है कहीं लिखा मिल जाए, है ना। तो वैसे ही परसेंटेज जो डाटा है वो जो कंपाइल की गई है बुक्स उसमें अलग आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत मिल सकता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में थोड़ा वेरिएशन है भाई, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा, जैसे अगर हम इरिगेटेड एरिया की परसेंटेज की बात करें तो किसी में ज़्यादा दिया है किसी में कम दिया है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट एवरेज याद रखते हैं कि कितना होता है, ठीक है, वैसे ही दिया है। और कुछ चीज़ें फैक्ट तो हैं वो चेंज नहीं हो सकती, वो सभी जानते हैं, परसेंटेज में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। चलिए ऑरिजिन ऑफ फील्ड पी, मटर का उत्पत्ति स्थान क्या है, कहाँ है, ठीक है, बताइए, यूरोप या वेस्टर्न एशिया, अमेरिका, इंडिया या चाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहला यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, तो आंसर क्या हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है बोटेनिकली फील्ड पी इज नोन एज, फील्ड पी क्या होती है, जो दाल वाली फसल होती है उसको, वो जो दाल वाली मटर होती है उसको क्या कहते हैं, फील्ड पी कहते हैं, ठीक है। और जो जो हरी जो आती है आपकी हरी मटर है ना, जो सब्जी में यूज की जाती है वो गार्डन पी, या उसको ग्रीन पी भी कह सकते हैं और टेबल पी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, क्या होता है भाई, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, पाइसम सेटाइवम। तो आंसर क्या हो जाएगा पहला, ठीक है, अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला आंसर हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। चलिए अगला सवाल, निम्न में पाला के प्रति अधिक संवेदनशील फसल, बताइए भाई, आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड पी, है ना। सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सी होती है, फील्ड पी, फील्ड पी क्या होता है, मटर जो दाल के रूप में प्रयोग करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है,
यानी पाला से ज्यादा इफेक्ट होती है, कौन सी, फील्ड पी। इसके बाद आता है राजमा का नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैरायटी सी 256। सी 256 इज अ वैरायटी ऑफ, तो सी 256 जो है वो किसकी वैरायटी है, 256 किसकी है, ग्राम की। एक वैरायटी और याद रखना, सी 306 जो कि पूछी जाती है, जो कि रेनफेड कंडीशन के लिए, रेनफेड कंडीशन में ग्रो करते हैं, ये किसकी वैरायटी है, वीट की, सी 306, ठीक है। इसको भी याद रखना कि सी 306 किसकी है, ठीक है। चलिए और तमाम बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है चने की, जैसे कि गौरव है, राधे है, चाफे है ना, और सी 256 है, बीजी, इसे बीजी 256 भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजी 256 भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला। नेक्स्ट है, पोटैटो स्कैब डिजीज इज कॉज्ड बाय, आलू का जो स्कैब रोग है वो किसके कारण होता है, एक्टिनोमाइसिटीज के कारण, किसके द्वारा होता है, एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आलू इज अ, आलू क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ। तो सभी को पता है आलू क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तभी देखा होगा कि जब आलू ओपन हो जाता है, सॉइल से बाहर आ जाता है, तो जैसे ही सोलर रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आता है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस करने लगता है ना, तभी ग्रीन कलर का हो जाता है। कभी देखा होगा आलू ग्रीन कलर का ऊपर बना रहता है, ग्रीन कलर का, तो किसकी वजह से हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होने लगता है उसमें, ठीक। तो उसी प्रोसेस के द्वारा इसमें क्या बन जाता है, सोलेनिन बन जाता है, क्या बन जाता है, सोलेनिन, ठीक है। तो इसको याद रखना, हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है, या जब जो आलू है वो रिच के बाहर आ जाए, ठीक। चलिए अगला, नेक्स्ट, डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज ब्रोकन बाई, आलू में जो सुसुप्तावस्था है ना, इनएक्टिव स्टेज, आलू की क्या है, सुसुप्तावस्था क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज। बाइबिलिटी तो होती है, लेकिन कुछ हार्मोन की वजह से क्या होता है, इसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो वो उसको जब हम बुवाई करते हैं, तो आलू को किस केमिकल द्वारा ट्रीट करते हैं, तो थायो यूरिया के द्वारा, किसके द्वारा, थायो यूरिया, है ना, 3% लेते हैं इसका। चलिए अगला सवाल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेटिंग ऑफ जूट, है ना। तो रेटिंग क्या होती है, जो जब रेसे को अलग करते हैं, है ना, तो इसको पानी में डाल दिया जाता है भिगोने के लिए, जिससे क्या होता है, आसानी से रेसा निकल आए। तो रेटिंग के लिए टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है जूट का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल, H777 इज अ वैरायटी ऑफ, H777 जो है एक प्रजाति है, किसकी है, कैस्टर की, कैस्टर, कॉटन, पिजन पी या जूट। तो ये किसकी प्रजाति है, H777 तो कॉटन की है। अगर पूछा जाए कॉटन की फर्स्ट वैरायटी कौन सी है, तो H4 फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक, है ना, इंटर स्पेसिफिक कौन सी है, 12 लक्ष्मी, ठीक। H4 जो है वो रिलीज हुई थी 1970 में, कब रिलीज हुई थी 1970 में, किसने रिलीज की थी, सीटी पटेल, इसके इनके द्वारा निकाली गई थी, सीटी पटेल के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट वैरायटी कौन सी है, कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है, H4, कब रिलीज की गई थी ये 1970 में, किसके द्वारा डेवलप की गई है, सीटी पटेल के द्वारा, ठीक। चलिए अगला सवाल है, देखो अगला सवाल भी यही दिया है, तो फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड C4 वाज रिलीज इन 1970 में, ठीक, बाई सीटी पटेल, ओके, बाई सीटी पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द केमिकल यूज्ड फॉर डीलिंटिंग इन कॉटन, देखो कॉटन बॉल क्या होता है, कॉटन बॉल में क्या पाया जाता है, कपास पाया जाता है, कपास और सीड, ठीक। तो कपास से लिंट को अलग करना, देखो लिंट क्या होता है ये समझो, लिंट क्या होता है, कॉटन के फाइबर को क्या बोला जाता है, लिंट बोला जाता है, रुई, ठीक है। तो डीलिंटिंग क्या होता है, कॉटन बॉल से लिंट को अलग करना क्या कहलाता है, डीलिंटिंग, है ना। तो इसमें कौन सा केमिकल जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। अब देखो लिंट फाइबर क्रॉप कॉटन है, इसके एग्जांपल और याद रखना, स्टेम फाइबर क्रॉप कौन कौन सी हैं, स्टेम फाइबर क्रॉप क्या होती हैं, या जिन्हें बास्ट फाइबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर क्रॉप, ऐसी फसलें जिनका रेसा जो है वो स्टेम से निकाला जाता है, वो स्टेम फाइबर क्रॉप के या बास्ट फाइबर क्रॉप कहलाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी हैं, जैसे जूट, मेस्टा, है ना, जूट और
मेस्टा, ठीक। ये क्या है? बास्ट फाइबर या स्टेम फाइबर क्रॉप है। तो कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिनकी पत्तियों से रेशे को निकाला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? लीफ फाइबर क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ फाइबर क्रॉप। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके पत्तियों से रेशे को निकाला जाता है? तो उनको याद रखेंगे, पाइन एप्पल और सीसल। सीसल जिसे अगेओ सिसलाना कहते हैं, है ना? वैज्ञानिक नाम क्या है सीसल का? अगेओ सिसलाना। तो याद रखना, लीफ फाइबर कौन सी है, लिंट फाइबर कौन सी क्रॉप है, और स्टेम फाइबर किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला सवाल। कॉटन बिलोंग्स टू फैमिली, तो इसकी फैमिली क्या है? मालवेसी। मालवेसी एक वेजिटेबल की और है जिसे भिंडी कहते हैं, ओकरा। ओकरा की फैमिली भी क्या है? मालवेसी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, मालवेसी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जूट की फैमिली क्या होती है, तो जूट की फैमिली क्या होती है? टिलियेसी। जूट की फैमिली क्या होती है? टिलियेसी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। बाई प्रोडक्ट ऑफ सुगर इंडस्ट्री इज नोन एज, सुगर इंडस्ट्री के से निकलने वाला उत्पाद को क्या कहते हैं? मोलेसेस प्रेसमेट और जगरी नॉट। यहाँ नॉट तो भाई नहीं होगा, यहाँ आल कर लीजिए, ठीक है, सभी होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक। चलिए अगला सवाल। सुगर बीट इज अ क्रॉप ड्यूरेशन, सुगर बीट जो है उसकी समयावधि कितनी होती है, बताइए भाई। नीलम कुमारी अंसारी 12 से 15 बता रहे हैं। अच्छा, हिंदी में ऑप्शन चाहिए भाई। हिंदी में क्या ऑप्शन? मंथ की हिंदी क्या होती है? महीना। तो 6 से 7 महीने, 12 से 15 महीने। अब क्या हिंदी चाहिए भाई आपको? देखो, जितने लोगों का ए है वो सही है, 6 से 7 महीने में ये मैच्योर हो जाती है, ठीक है। 6 से 7 महीने में ये मैच्योर हो जाती है शुगर बीट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है भाई। मंथ की तो हिंदी पता होगी, महीने की ये भी नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन पोटैटो इज अराउंड, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो सबको पता है कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 70% होता है लगभग। कितना होता है? 70%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, अवेलेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस आयंस इज, फास्फोरस की उपलब्ध रूप है ना, उपलब्ध आयन रूप कौन सा है? फास्फोरिक एसिड। भाई यहाँ पे देखो, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन जो है ना ही ये कह रहा है कि कौन सा अवेलेबल फॉर्म या फर्टिलाइजर में है या प्लांट के लिए है। तो देखो, फास्फोरिक एसिड जो है, ये P2O5 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, या फर्टिलाइजर का, ठीक है ना। फर्टिलाइजर में यही फॉर्म पाया जाता है। तो यहाँ पे P2O5 फास्फोरस पेंटाक्साइड सही हो जाएगा। देखो, अगर प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म पूछा जाए, प्लांट के लिए, तो ऑर्थोफॉस्फेट प्राइमरी और सेकेंडरी, तो H2PO4 उसके लिए होगा, और HPO4 है ना, HPO4 और H2PO4 और PO4 है ना। तो ये अवेलेबल फॉर्म होते हैं कौन से? प्लांट के लिए। तो सबसे ज्यादा जो अवेलेबल फॉर्म है वो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल फॉर्म फर्टिलाइजर में पूछा है, तो कौन से फॉर्म में फॉस्फोरस पाई जाती है? तो P2O5 रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू एन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? तो निफ जीन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? कि जो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में पाई जाती है, उसको सॉयल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है, सॉयल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला सवाल है, इन विच फॉर्म ऑफ यूरिया सप्लाई नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप पाया जाता है, ठीक है। तो सभी को पता है ये क्या है, एक एमाइड फर्टिलाइजर है। क्या है? एमाइड फर्टिलाइजर। एमाइड फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी से कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड फॉर्म में,
एमाइड रूप में, ठीक है। तो चार तरह के फर्टिलाइजर पाए जाते हैं या चार तरह के फर्टिलाइजर जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कौन कौन से? नाइट्रेट फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में पाई जाती है नाइट्रेट फर्टिलाइजर कहलाते हैं। नेक्स्ट है अमोनिकल फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में पाई जाती है वो अमोनिकल फर्टिलाइजर कहलाते हैं। एक होते हैं नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर, तो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन दोनों रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट में भी और अमोनिकल में भी, ठीक है। और चौथा क्या होता है? एमाइड फॉर्म, तो यूरिया के अलावा भी कौन सा है? CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड, तो इसमें भी जो नाइट्रोजन होती है वो किस रूप में होती है? एमाइड रूप में होती है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल है, व्हाइट बड ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, जो मक्के में सफेद कलिका रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है? ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं? कार्की विकार क्या होते हैं? कि ऐसे रोग या ऐसे डिजीज जो किसी प्लांट न्यूट्रेंट की कमी से होते हों, पादप पोषक तत्व की कमी से होते हैं पौधे में, तो वो क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है ना। तो जिंक की कमी से राइस में भी एक रोग होता है जिसे खैरा रोग कहते हैं, ठीक। चलिए आंसर क्या हो जाएगा पहला? नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए? बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका? 7.5 to 8.5, वैसे एग्जैक्ट होता है 8.5, ठीक है। कितना होता है? 8.5। मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है नाइट्रिफिकेशन किस पीएच पे होता है? 8.5 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7.5 to 8.5, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा सही भाई, है ना, हम जानते हैं कि आप गलतियाँ करेंगे, ये नहीं होगा। इसके बाद याद रखिए नाइट्रिफिकेशन के जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो इतना होता है 8.5, तो यहाँ पे 8.5 किसी में दिया नहीं है, तो 7.5 to 8.5 ये रेंज सही हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसके पीएच बीच, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाइट्रिफिकेशन इतने पे नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। मैक्सिमम जो रेट है नाइट्रिफिकेशन की वो यही है, ठीक है। और ऑक्सीजन परसेंटेज जब नाइट्रिफिकेशन के लिए, जब मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन परसेंटेज जो होनी चाहिए सॉइल में वो होनी चाहिए 20%, कितनी? 20%, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल, अरुणा इज अ म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट लिखा है, म्यूटेंट है ना, उत्परिवर्तित, ऐसी वैरायटी जो म्यूटेशन के द्वारा डेवलप की जाती है तो म्यूटेंट कहलाता है। वो कोई भी इंडिविजुअल हो जिसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो इंडिविजुअल कहलाता है म्यूटेंट, ठीक। तो म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? किसकी? अरुणा वैरायटी जो है म्यूटेंट किसकी वैरायटी है? कैस्टर की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैस्टर। मस्टर्ड की एक वैरायटी है उसमें कंफ्यूजन होती है जिसे बरुणा कहते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखना, अरुणा और बरुणा में, तो बरुणा जो है वो मस्टर्ड की है, अरुणा जो है वो किसकी है? कैस्टर की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने के लिए कुछ हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? एथिलीन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, फाइबर ऑफ कॉटन कंटेंट्स, कपास के रेशे में पाया जाता है लिग्निन, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, या हम कह सकते हैं कपास का रेशा किसका बना होता है? तो ये जो होता है सेलुलोसिक नेचर का होता है, कपास का जो रेशा होता है वो किस नेचर का होता है? सेलुलोसिक नेचर का होता है, ठीक है। तभी ये थोड़ा कमजोर होता है, और जूट की बात करें तो लिग्नो सेलुलोज का होता है, लिग्नो सेलुलोज, उसमें लिग्निन भी पाई जाती है, ठीक है। तो यह तभी ये जूट का जो रेशा होता है वो मजबूत रेशा होता है, जूट का जो रेशा होता है वो मजबूत रेशा होता है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग बढ़ा देता है लिग्निन इसकी, ठीक है। तो जूट का भी याद रखना भाई, लिग्नो सेलुलोसिक, ठीक है। ओके चलिए दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बताइए भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग,
कहाँ पे है? ए गाजियाबाद, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या दिया है, विच स्टेट लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी का जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है ना, बताइए भाई। दिया है असम, असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या यूपी। कॉफी का उत्पादन कर्नाटक, ठीक है, असम वाले जितने भी असम बता रहे हैं वो गलत है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कॉफी का कहाँ होता है? कर्नाटक में, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट केबीके, पहला जो केबीके है वो कहाँ खोला गया, कहाँ ओपन किया गया? तो ये कब खोला गया, कहाँ खोला गया था? पांडुचेरी, पांडुचेरी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पांडुचेरी। कब कब ओपन किया गया था? 1974 में, है ना, कब स्टेब्लिश किया गया था? 1974, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया इज, यानी उत्तर भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली हरी खाद की फसल, तो सबसे ज्यादा जो उत्तर भारत में ग्रो की जाती है वो की जाती है सनहैम, ठीक है। अगर हम बात करें साल्ट अफेक्टेड सॉइल की या प्रॉब्लमेटिक सॉइल की, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप वो कौन सी की जाती है? ढेंचा। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी ग्रो की जाती है? सनहैम। और साल्ट अफेक्टेड सॉइल या प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए या वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए ढेंचा सुटेबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? किससे है? ऑयल सीड से, ठीक है, तिलहन उत्पादन से। ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से या सीरियल प्रोडक्शन से। अगर ब्लैक की बात करें तो जेट्रोपा या पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर। किससे संबंधित है भाई? हॉर्टिकल्चर से, है ना, बागवानी से। चलिए अगला सवाल है, इक्रिसेट, इक्रिसेट कहाँ स्थित है? तो इक्रिसेट कहाँ पे है? हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1972 में। क्रिसेट की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। कहाँ पे स्थित है ये? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ओके। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन है फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो किसने खोज की थी? इसकी डिस्कवर्ड बाई पेनिसिलिन बार डिस्कवर्ड बाई तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। तो ये पहली एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलप की थी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, बताइए भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO लोकेटेड एट, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? रोम, इटली। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पे स्थित है? FAD लिखा है यहाँ पे, ओ कर लेना, है ना, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है रोम, इटली, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, कजरी बाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कजरी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। आपका काम ये है कि जितने भी फुल फॉर्म हैं, है ना, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनके फुल फॉर्म और उनका कब स्थापना हुई थी, ठीक है, वो देख लेना एक बार पेपर में जाने से पहले,
ठीक है, तो ये कजरी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में, कहाँ पे, जोधपुर, कहाँ पे ये स्थित है, जोधपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, सॉरी एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है, शब्द नहीं है, किस भाषा से लिया गया है, या किस भाषा का शब्द, एक ही बात कह सकते हैं हम इसको, तो किस किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक, ठीक। किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन का, ठीक है, एग्रिस प्लस कल्चरा, तो ये लैटिन का है, तो नोमी और लॉजी जिनके नाम के पीछे लगा होता है, तो वो सभी किसके होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखो अगला दिया है, एग्रोनॉमी जो है वो किन दो भाषाओं से मिलकर बना है ना, किससे मिलकर बना है भाई, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, एग्रीकल्चर बता दिया है, लैटिन का होता है। नेक्स्ट है, बर्मेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, वायुमंडल की सबसे गर्म परत, जो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो सबसे निचली परत होती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एटमोस्फेयर वो जो है वो कितनी लेयर में डिवाइड होता है, सबसे नीचे जो लोअर लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक, इसके बाद है स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद आती है मीजो, और इसके बाद थर्मोस्फेयर, इसके बाद कौन सा आता है, थर्मोस्फेयर, आप देखो सबसे जो गर्म होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर, तो जो ये दो लाइनें मैंने खींची हैं, तो ये एक और लेयर है, वो ये कौन सी लेयर है, कि जो लेयर स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फेयर को जोड़ती है, स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फेयर को जोड़ती है, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज, ठीक है, स्ट्रेटो और स्ट्रेटो और मीजो को जो जोड़ती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटोपॉज कहलाती है, ये लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोपॉज है, और जो मीजो और थर्मो को जोड़ती है वो क्या कहलाती है, मीजोपॉज कहलाती है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, घटता है ना, जैसे जैसे स्ट्रेटो में बढ़ते हैं, स्ट्रेटो के ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस प्रकार अल्टरनेट फॉर्म रहता है इसका, ठीक है, इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, तो याद रखना लोअर लेयर है, जितने भी क्लाउड एटमोस्फेरिक गैसेस सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, तो ये सबसे गर्म लेयर है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, द एल्बेडो ऑफ क्रॉप सरफेस इज रेंजेस, रेंज रेंजिंग बिटवीन, फसल की सतह का एल्बेडो मान क्या होता है, एल्बेडो का मतलब होता है, देखो एल्बेडो का मतलब होता है कितने परसेंट रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हुए है किसी भी सरफेस के द्वारा, मान लो 100% आई है रेडिएशन पृथ्वी पे, है ना, तो किसी सरफेस द्वारा क्या है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, मान लो 40% रिफ्लेक्ट कर दी किसी भी सरफेस ने, है ना, तो उसके जितनी रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या कहलाती है, एल्बेडो कहलाती है, क्या कहलाती है, एल्बेडो, तो जो फसल सरफेस है उसकी एल्बेडो जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20-25%, यानी कि जो जितनी रेडिएशन आती है पत्ती पे फसल की सरफेस पे वो लगभग जितनी आती है उसका 20-25% ही रिफ्लेक्ट करती है, बाकी अब्जॉर्ब हो जाती है उसमें, ठीक है, तो यही कहलाती है एल्बेडो या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हम कह सकते हैं, इसको मेजर किया जाता है एल्बेडो मीटर द्वारा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 20-25। नेक्स्ट है, ऑरिजिन प्लेस ऑफ ग्राम, चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे स्थित है, साउथ वेस्ट एशिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला साउथ वेस्ट एशिया, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, सिसर एराइटनम, सिसर एराइटनम। नेक्स्ट है, फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है, तो जेथ्रो टुल को खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा हॉर्स हो डेवलप किया गया था, हॉर्स हो, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, है ना, हॉर्स हो या कह सकते हैं फादर ऑफ बीट साइंस भी इसको कहते हैं, ठीक है, जेथ्रो टुल को फादर ऑफ बीट साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक हेक्टेयर इज इक्वल टू, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़, ये 2.47 एकड़ यानी कि एक एकड़ बराबर हम कह सकते हैं, एक एकड़ बराबर कह सकते हैं 0.405 हेक्टेयर, ठीक है, या एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर, कितना, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए अगला सवाल है, एक क्यूसेक इज इक्वल टू कितने लीटर पानी, तो 35.5, ठीक है, अगर क्यूमेक पूछा जाएगा तो 28.3 क्यूमेक हो जाएगा वो,
ठीक है, पूछा क्या है, लीटर में पूछा है, ऑप्शन भी लीटर में दिया है, तो 35.5 लीटर। ठीक, चलिए अगला सवाल। पैरनोमीटर यूज टू मीजर, पैरनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पैरनोमीटर जो है टोटल इनकमिंग रेडिएशन, टोटल इनकमिंग मतलब कितनी रेडिएशन जो है पृथ्वी पे आती है, ठीक है, वो मीजर करता है कौन? पैरनोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल मीजर करता है पीजोमीटर, पीजोमीटर के द्वारा क्या मीजर करते हैं? डेप्थ ऑफ वाटर वाटर टेबल। ठीक, और रूट प्रेशर जो है वो किसके द्वारा मीजर किया जाता है? मैनोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? मैनोमीटर। तो इसका अगर पूछा जाए रूट प्रेशर मैनोमीटर से क्या मीजर करते हैं? तो रूट प्रेशर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर राइस क्रॉप, अगर बेनिफिशियल देखा जाए सॉइल में तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो फसल के लिए बेनिफिशियल हैं, लाभदायक है ना। तो इसमें पर्टिकुलर क्रॉप का नाम दिया है, राइस का नाम दिया है, तो राइस के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो कौन सा होगा? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सही हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा जो है जो पौधा है लाभदायक, कौन सा लाभदायक पोषक तत्व एब्जॉर्ब करता है? राइस, सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन के कई रोल होते हैं पौधे में, जैसे टॉक्सिसिटी को, कुछ न्यूट्रेंट की टॉक्सिसिटी हो जाती है उसको रिड्यूस कर देना, है ना। चलिए अगला सवाल है, फाल्गुना किसकी वैरायटी है? तो फाल्गुना जो है वो किसकी वैरायटी है? नहीं, फाल्गुना जो वैरायटी है वो किसकी है? राइस की। ठीक है, ससेप्टेबल टू आयरन टॉक्सिसिटी, तो जिस जहां जिस सॉइल में आयरन की मात्रा अधिक होती है वहां पर हम फाल्गुना वैरायटी को ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रो नहीं करते हैं। चलिए अगला क्या दिया है, ट्रेड नेम ऑफ ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर का जो वैज्ञानिक वो जो ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम है, व्यापारिक ट्रेड नेम का मतलब होता है जिस नेम से मार्केट में मिलता हो, है ना। ट्रेड नेम जो डिसाइड है वो कंपनी करती है, जो कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ब्यूटाक्लोर का ट्रेड नेम क्या है? मचेटी। ब्यूटाक्लोर का क्या है? मचेटी। ठीक है, चलिए राइस का, मोस्टली राइस में यूज होता है ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पूसा बोल्ड, बताइए भाई पूसा बोल्ड जो है वो किसकी है? वैरायटी किसकी है भाई? इंडियन मस्टर्ड की। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड। नेक्स्ट, बिटरनेस इन ग्राउंडनट कर्नल ड्यू टू मूंगफली में जो कड़वाहट का कारण है वो क्या है? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या नेमेटोड। तो देखो जो इसमें कड़वाहट हो जाती है वो एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से हो जाती है, एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से हो जाती है। वो एस्परजिलस फ्लेवस जो कब अटैक कर देता है? जब स्टोरेज के समय ग्रेन में मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा हो जाए। तो एस्परजिलस फ्लेवस क्या है? फंगस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फंगस के कारण। ठीक है, तो जब ग्रेन में स्टोर करते समय तभी हम ध्यान रखते हैं कि ग्रेन में मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, अगर ज्यादा है तो ये फंगल अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो जिससे कड़वाहट हो जाती है मूंगफली में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फंगस। नेक्स्ट है डिवाइन, डिवाइन क्या है? डिवाइन एक बायो फंजीसाइड है, क्या है? सॉरी, बायो हर्बिसाइड डिवाइन, है ना, जो स्ट्रिंगल वाइन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। किसको? स्ट्रिंगल वाइन, स्ट्रिंगल वाइन, एक वीट का नाम है स्ट्रिंगल, स्ट्रिंगलर वाइन।
जो कि सिट्रस में होता है ना, सिट्रस। तो याद रखना डिवाइन क्या है, ठीक है, बायो हर्बिसाइड है, एक कोलैगो है, कोलैगो, ठीक है, कोलैगो क्या है, कोलैगो भी एक बायो हर्बिसाइड है जो कि किसमें यूज होता है, राइस में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, राइस में। तो इसके भी याद रखना, कोलेक्टिव ट्राइकम ग्लॉसिप्रोइड्स नामक फंगस से ये निकाला जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल, इकाइनोक्लोवा स्पीसीज बिलोंग्स टू फैमिली, तो इकाइनोक्लोवा ग्रासेस फैमिली का है, तो जितनी भी ग्रासेस होती हैं वो किस फैमिली की होती हैं, ग्रेमिनी, किस कुल की होती हैं, ग्रेमिनी या पोएसी, ठीक है, ग्रेमिनी या पोएसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेमिनी। इकाइनोक्लोवा स्पीसीज किस क्रॉप का वीड है, तो किस क्रॉप का है, राइस का है। तो आप याद रखना जितनी भी ग्रासेस हैं ये क्या है, बर्नयार्ड ग्रास कहते हैं इसे, है ना, बर्नयार्ड ग्रास। तो जितनी भी ग्रासेस हैं उनकी फैमिली क्या होती है, सभी की ग्रेमिनी होती है, ठीक है, सभी की फैमिली क्या होती है, ग्रेमिनी। चलिए अगला सवाल, खैरा डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू, खैरा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, धान का जो खैरा है वो किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से, अभी बताया था, व्हाइट बर्ड भी, मेज का व्हाइट बर्ड भी किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी से ही होता है। तो देखो जब किसी, जब कोई रोग किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से होता है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसी न्यूट्रिएंट की सप्लाई से करेंगे, तो इसमें क्या है, जिंक सल्फेट अप्लाई कर देंगे तो ये कमी दूर हो जाएगी, कमी जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इनफ्लोरेसेंस ऑफ सुगर केन इज कॉल्ड, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो देखो कल ये 2020 बीसीसी एग्जाम में दिया भी था कि गन्ने के जो एरोइंग किससे संबंधित है, देखो क्वेश्चन यहीं से निकला हुआ था कि एरोइंग किससे संबंधित है, तो पुष्पक्रम को जो क्या कहते हैं, एरो कहते हैं, है ना, एरो निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, एरोइंग कहलाती है, तो किससे संबंधित है, गन्ने से, बात खत्म, ठीक है। पेनिकल किसका होता है, पेनिकल होता है राइस का, स्पाइक किसका होता है, वीट का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अधिसाली सुगर कैन प्लांटेड इन, अधिसाली जो गन्ना जो होता है वो, अधिसाली जो गन्ना होता है वो मैच्योर होता है कितने दिन में, 15 से 18 महीने में, कब, कितने महीने में, 15 से 18 महीने में, ठीक है। तो इसको याद रखना, एक साली होता है 11 से 12 महीने में मैच्योर हो जाता है, तो ये कब बोया जाता है, मार्च अप्रैल जून जुलाई में, ठीक है, कब बोया जाता है, ये जून से जुलाई में, ठीक है। तो याद रखना अधिसाली जो है गन्ना कब मैच्योर होता है, कौन से महीने में होता है, कब बोया जाता है और कितने महीने में होता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, इज सुगर कैन मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में गन्ने की, उत्तर भारत में बुआई गन्ने की उपयुक्त विधि क्या है, तो ट्रेंच मेथड से उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो है बोया जाता है, किस मेथड से, ट्रेंच मेथड से, ठीक है। ट्रेंच मेथड से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे लॉजिंग नहीं होती, गन्ना गिरता नहीं है, गन्ना जो है वो इससे गिरता नहीं। नेक्स्ट है मुक्ता, मुक्ता वेराइटी, मुक्ता इज अ वेराइटी ऑफ अरहर, मुक्ता इज अ वेराइटी ऑफ अरहर, अरहर की कई इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, जैसे उपास 120, उपास 120 अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, एक है प्रभात, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग प्रभात, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखना मुक्ता किसकी है, अरहर की वैरायटी है। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन अबाउट, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है भाई, 40 से 42%, और ऑयल कितना होता है, 20%, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑयल और प्रोटीन का रेशियो क्या है सोयाबीन के सीड में, तो कितना हो जाएगा, 1:2, 1:2, 1:2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 40%। नेक्स्ट है प्राइमिंग इज रिलेटेड टू, प्राइमिंग किससे संबंधित है, तो प्राइमिंग क्या है, एक तंबाकू का हार्वेस्टिंग का मेथड है, प्राइमिंग क्या है, तंबाकू के हार्वेस्टिंग का एक मेथड है। प्राइमिंग होता क्या है, देखो तंबाकू की पुरानी पत्तियां जो ओल्ड लीफ होती हैं उन्हीं को रिमूव करना क्या कहलाता है, प्राइमिंग कहलाता है। या हम कह सकते हैं जैसे कि मान लो ये तंबाकू का पेड़ है, है ना, ये क्या है, इसकी ओल्ड लीफ है, ठीक। तो जो ओल्ड लीफ है जो ओल्ड लीफ है वो मैच्योर हो जाती है जल्दी, भाई मैच्योर तो जो ओल्ड लीफ है वो मैच्योर होती है, ठीक। मैच्योर लीफ को ही बोलते हैं सेंड लीफ, क्या बोलते हैं, तो सेंड लीफ, तो मैच्योर लीफ या सेंड लीफ को ही रिमूव करना क्या कहलाता है,
प्राइमिंग कहलाता है। तो लगभग जो तंबाकू की जो मैक्सिमम स्पीसीज हैं उनमें जो हार्वेस्टिंग का मेथड है वो प्राइमिंग है। एक और मेथड है स्टॉक कट मेथड, उसमें पूरा प्लांट काट लेते हैं ना। मोस्टली जो किया जाता है वो प्राइमिंग मेथड ही अपनाया जाता है ना। तो पुरानी पत्तियों की जैसे जो ओल्ड हैं मैच्योर हो गई हैं उनको रिमूव करते रहते हैं। ठीक, चलिए और भी जैसे प्रोसेस हैं इससे रिलेटेड है, जैसे टपिंग है ना, डी सकरिंग है, क्यूरिंग है, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्गर डिजीज। अर्गर डिजीज जो है वो किससे संबंधित है? अर्गर डिजीज इज एसोसिएटेड विद, तो अर्गर डिजीज जो है वो किसका है? बाजरा का। किसका है? बाजरा का। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ग्लाइफोसेट इज अ, ग्लाइफोसेट क्या है? एक हर्बिसाइड है, ये बात पता है, लेकिन अब ये पता नहीं है कि नॉन सेलेक्टिव है कि सेलेक्टिव है। तो याद रखना ये नॉन सेलेक्टिव है ना। नॉन सेलेक्टिव मतलब तो है होता है किल्स ऑल वेजिटेशन, ऑल वेजिटेशन। ठीक है, जितनी भी वेजिटेशन पाई जाती है सबको किल कर देता है, नॉन सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पर्टिकुलर वीड को किल करे, फसल को ना करे। अगर तो तभी इसको ग्लाइफोसेट को क्या है? बुवाई से पूर्व दिया जाता है, बुवाई से पूर्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? तो ब्लाइंड होइंग जो है वो लगभग बुवाई के एक महीने बाद की जाती है ना अंधी गुड़ाई। तो किस किस में करते हैं? सुगर केन में करते हैं, बात सही है। व्हीट में की जाती है? नहीं की जाती है। आलू में की जाती है? की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सी बॉथ। तो अंधी गुड़ाई किस किस में की जाती है? सुगर केन और पोटैटो। नेक्स्ट है हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया? हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द जो है वो किसने दिया बताइए? तो किसने दिया है? डोनाल्ड ने। ठीक है, इनने एक और शब्द दिया है जिसे कहते हैं आइडियोटाइप। ये भी याद रखना, आइडियोटाइप। आइडियोटाइप का मतलब क्या होता है? आइडियोटाइप का मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन में जब हम पौधा ग्रो करते हैं है ना, पौधा सेलेक्ट करते हैं, फसल सेलेक्ट करते हैं, तो उसके करेक्टर क्या होने चाहिए? ठीक है, वही होता है आइडियोटाइप या मॉडर्न प्लांट। ये भी आइडियोटाइप जो शब्द है वो किसने दिया है? डोनाल्ड ने ही दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? और देखो कोपन जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है ना, और कोहने जो है वो एंजाइम शब्द दिया था। ठीक, नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम उर्वरक, भारत में कौन सा जो उर्वरक है वो सबसे पहले निर्मित किया गया? तो एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सा विकसित किया था? सिंगल सुपर फास्फेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट में P2O5 जो होता है इसको याद रखना 16% P2O5, और सल्फर कितना होता है? 12%। तो जो कि सल्फर पूछा जाता है, ठीक है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो सल्फर सबसे ज्यादा सल्फर है वो इसी में पाई जाती है, जितने भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैं किसमें? एसएसपी में। ठीक है, चलिए अगला देखो दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सल्फर कंटेंट इन एसएसपी, तो अभी बताई है कितनी होती है? 12%। और ये P2O5 कितना होता है? 16%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पोटैटो, आलू की उचित बीज दर कितनी होती है? तो उचित बीज दर जो रखते हैं 25 से 30 क्विंटल रखते हैं। कितनी रखते हैं? 25 से 30 क्विंटल। तो इसका यूज क्या करते हैं? ट्यूबर करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूबर, जिसका वेट होना चाहिए 25 से 30 ग्राम। एक पीस का जो, एक पीस का जो अगर आलू बड़ा है तो उसको काट काट लेंगे है ना, उसको क्या कर लेंगे? पीस में बांट लेंगे। तो एक जो पीस होना चाहिए वो कितने ग्राम का होना चाहिए? 25 से 30 ग्राम का होना चाहिए, और लगभग 2 से 3 बडेड होना चाहिए। 2 से 3 बडेड या आई होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए ना, जिससे जर्मिनेशन आसानी से हो सके। कभी कभी क्या होता है बुवाई के समय डैमेज हो जाती है कुछ, एक दो बड़ है ना, तो कुछ बचा रहेगा तो जर्मिनेशन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। फर्स्ट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो, फर्स्ट पाला अवरोधी प्रजाति, आलू की पाला अवरोधी प्रजाति कौन सी है? तो देखो के बादशाह दिया, यानी कुफरी बादशाह, सीतमान, अशोका और देवा। तो पाला अवरोधी कौन सी है? कुफरी सीतमान। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? जूट बिलोंग्स टू फैमिली, जूट किस फैमिली का पौधा है? अभी बताया था
जूट किस फैमिली का है? टिलियसी फैमिली का है। किसका है? टिलियसी। और मालवेसी का कौन सा है फाइबर वाली क्रॉप? कौन सी अदर फाइबर क्रॉप है जिसका मालवेसी कुल है? तो याद रखना कॉटन, जो अभी आगे क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निपिंग किससे संबंधित है? निपिंग जो है वो किससे संबंधित है? तो निपिंग जो है, निपिंग या टपिंग किसमें की जाती है? चाय में की जाती है। रिमूवल ऑफ एपिकल बड, रिमूवल ऑफ एपिकल बड, है ना, बड, या हम कह सकते हैं विद टू और थ्री लीव्स। ठीक है, दो तीन पत्तियों के साथ हम एपिकल बड को रिमूव कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है? निपिंग कहलाता है। पर्टिकुलरली जो इसमें टपिंग शब्द यूज होता है, ठीक है, निपिंग जो है वो जनरली टर्म जो है वो यूज होता है चने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऑयल कंटेंट इन सीड वेरीज फ्रॉम, कपास के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? कपास के बीज में तेल की मात्रा जो होती है वो होती है 14 से 25%। कितनी होती है भाई? 14 से 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। या पूछा जाए आपसे बिनौले में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो यही है, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परसेंटेज इन एनहाइड्रस अमोनिया इज अबाउट, एनहाइड्रस अमोनिया क्या है? एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उनमें सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन है वो किसमें पाई जाती है? एनहाइड्रस अमोनियम। कितनी? 82%। ठीक है, 82% लिक्विड फर्टिलाइजर है, इतना याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सबसे ज्यादा कौन से सॉलिड फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती, तो यूरिया में। कितनी? 46%। ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट, नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा तो कितनी होती है? 33% होती है। कितनी होती है भाई? 33%, 33, है ना, 33%। ठीक, अब देखो अमोनियम नाइट्रेट कैसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन जो है अमोनियम रूप में भी है, अमोनिकल में भी है, और नाइट्रेट रूप में भी है। तो 50% जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? अमोनियम अमोनिकल रूप में, और 50% किस में पाई जाती है? नाइट्रेट फॉर्म में। तो 33% का 50% कितना होगा? जितना होगा उतना ही नाइट्रोजन किस रूप में होगी? अमोनियम अमोनिकल रूप में होगी, और बाकी का नाइट्रेट रूप में। ठीक है, चलिए, ये इसे एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है ना, विस्फोटक उर्वरक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट यूज ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर इन द स्टेट, किस राज्य में पोटास उर्वरक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? किस स्टेट में सबसे ज्यादा पोटेशियम उर्वरक प्रयोग किया जाता है? तो महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र में, है ना, नाइट्रोजनस और फास्फेटिक फर्टिलाइजर यूपी में। ठीक, चलिए लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन सॉयल और यूनिवर्सल डिफिशियंट, भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो किसकी होती है? नाइट्रोजन दिया है, जिंक दिया है, बोरॉन दिया है, ए बी दोनों। तो भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी होती है? सबसे ज्यादा यूनिवर्सल दिया है, ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसके बाद जिंक की, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस माइक्रो न्यूट्रेंट की सबसे ज्यादा कमी होती है, तो जिंक की। ये भाई माइक्रो तो है नहीं। अगर ऐसे पूछा जाए इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की, ठीक है, कमी पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CDP। क्या कहते हैं भाई? CDP। तो CDP जो है वो कार्यक्रम कब चला था? 1952 में। कब? 1952 में। कुछ प्रोग्राम और हैं, उनको नोट कर लीजिए, जैसे NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में, है ना, IRDP इंस्टीट्यूशनल या इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1980। ठीक, अगर बात करें EIVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, तो ये चलाया गया था कब? 1995 में, ठीक है, 1995 में। ट्राइजेम, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लेना, इनके पूरे नाम बोलते जाना, लिख नहीं रहे हैं ना, तो वो नोट कर लेना, नहीं तो सर्च कर लेना। ट्राइजेम चलाया गया था कब? 1979 में। और एक प्रोग्राम और चलाया गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब टू लैंड प्रोग्राम। कौन सा? लैब टू लैंड प्रोग्राम। ये कब चलाया गया था? 1979। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, ICAR, ठीक है। एक चलाया गया था IAAP, ये 1964,
लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि चलाए गए थे, इसमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब ICR और IRI की स्थापना भी याद रखना कब की गई थी। ठीक है, सर लीची ने किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब क्या है भाई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब किस देश से आया, ये पूछिए ना, चाइना से। और सबसे ज़्यादा लीची बिहार में होती है। ठीक है, जिसका एग्जाम देने वाले हो सब। ठीक, चलिए याद रखना ICR और IRI की स्थापना। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, अब मिलते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये काफ़ी ये टॉपिक जो ये जो क्वेश्चन है 100, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इससे एग्रोनॉमी के लगभग पॉइंट जो है वो कवर किए गए हैं। हर फसल से क्वेश्चन एक दो उठाया गया है, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। ठीक है, चलिए।